वंस तो so, आज हमारी किटन्स का डे थ्री है तो so, मैंने सोचा सबसे सब पहले इनकी मदर को हमें मेडिसिन दे, दे देना चाहिए जो कि मैंने ट्रीट्स में मिला के ऑलरेडी दे दिए और वो ईजिली खा भी दी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बाकी मोंटी वगैरह को भी खाना है उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ स्पेशल खिला रही हूँ जबकि उन्हें पता नहीं है कि मैंने उन्हें मेडिसिन खिलाई है ज़ूरा को सो so, अब देखिए हम उसको जल्दी से फटाफट मेडिसिन खिला देते हैं उसके बाद हम हमारी सारी कैट्स को एक ट्रीट देंगे क्योंकि हमारी ज़ूरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई हैं पहले से तो भाई हमारी जो कैट्स हैं उन्होंने काफ़ी पेशेंस दिखाया और नहीं आई हैं अभी तक ज़ूरा की प्लेट तक और ये आप मोंटी को देख पा रहे होंगे ये पीछे हमारी स्मोकी बैठी हुई है साइड हमारी एल्सा है और पीछे वो लास्ट में एलिव बैठा हुआ है और ये हमारी जूरा खा रही है जो कि अभी अभी नई मम्मी बनी है और एलिव से शायद वेट नहीं हुआ और वो आके चेक करने लग गया कि क्या खा रही है क्योंकि ये मेडिसिन कभी भी नहीं खाता है और ये मोंटी और एलिव की लड़ाई हो गई उसके बाद आप इधर यहाँ पे देख पा रहेंगे कि माहौल ज़्यादा गर्म हो चुका है और फिर स्मोकी जो है कि बार बार जूरा को देख के चिड़ा रही है आई डोंट नो उसको क्या बात का बुरा लग रहा है वो देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है मेरी ज़ूरा के ऊपर सो so, चलिए कोई बात नहीं हम उसको अभी थोड़े दिनों में नॉर्मल कर लेंगे स्मोकी को बट अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी ज़ूरा के ऊपर है कि वो काफ़ी हेल्दी हो जाए जैसे पहले थी सो हमारी ज़ूरा ने पूरी मेडिसिन फिनिश कर ली है और अब हमारी बारी है कि हम हमारी सारी कैट्स को ट्रीट दें क्योंकि ज़ूरा काफ़ी अच्छी हो चुकी है और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू दैट सब मेरी ज़ूरा के लिए दुआ करी कि वो जल्दी से सही हो जाए और आपकी कमेंट्स मैं सारी पढ़ती हूँ अगर आपको इनके लिए कोई भी कमेंट्स करते हो तो मैं ज़रूर से पढ़ती हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट चीज़ है पूरे डे का कि मैं आपके सारी कमेंट्स पढ़ूँ और उनका रिप्लाई करूँ आप देख पा रहे होंगे अलसा कितने प्यारे तरीके से खा रही है वैसे आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या आप मेरी कैट्स में डिफ्रेंशियट कर पाते हैं क्योंकि बहुत से लोग मेरी कैट्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी कैट का नाम क्या है सो so ये जो ग्रीन कलर का जो इन्हें पहना हुआ है ये है स्मोकी और ये हमारा एलिफ है जो कि अलग ही दिखता है जिंजर कलर का है बाकी हमारी एल्सा और मोंटी में तो मैं भी कन्फ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी सो so मुझे थोड़ा उनका देखना पड़ता है आइज़ वगैरह का तब मुझे समझ में आता है कि एल्सा है या मोंटी है और रही बात ज़ूरा तो उसका पूरा गला जो है ना वो वाइट या क्रीमी टेक्सचर में है तो इजीली वो हमें रिजेंबल कर जाते हैं हम उसको और लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्मोकी और जूरा में सो so, जो म्याऊ की ट्रीट है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है स्पेशली एलिफ़ की बाकी और कैट्स को भी अच्छी लगती है बाकी और कोई सी ट्रीट लेके आती हूँ तो एलिफ ज़्यादा शौक से नहीं खा रहा जितना इसी वाली खाता है म्याऊ वाली एल्सा को देख पा रहे होंगे आप कैसे हाथ से ही मांग रही है बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही करती है ये और ये मैंने सबको ट्रीट खिला दिए और ये हमारी ट्रीट फिनिश हो चुकी है और उसके बाद मैंने जूरा को एक साइड में ले जाके थोड़ा सा चिकन खिलाया है और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड किया है और इसके अलावा मैंने उसको थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि समर सीज़न है मार्च का महीना है और तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी और बस अब इनका हाउस क्लीन करना है मुझे और ये हमारी जूरा आ चुकी हैं कि मैं क्या कर रही हूँ इनके हाउस में और आप देख पा रहे होंगे कितना ख़राब लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका है सो तो मुझे सबसे पहले इसको क्लीन करना है और उसके बाद हम बाकी काम करेंगे इसी बीच हमारा मोंडी भी आ गया था जो बाकी चिकन था बचा हुआ सो so, वो हमारे मोंडी ने फिनिश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि वो अभी भी थोड़ा सा खा रहा है थोड़ा सा बचा हुआ है और ये हमारे थ्री लिटिल किटन्स हैं जो कि आज हो गए हैं सिर्फ तीन दिन के आई गेस तीन या तीन या साढ़े तीन दिन के आप बोल सकते हैं सबसे पहले मैंने इनका जो भी ये ऊपर का था ये सब हटाया और मैं इसका एक बार और मेक ओवर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक तो इसमें स्पेस कम लग रही है दूसरा क्या है कि ये इन्होंने क्या किया है अपने पंजों से पूरा इसको स्क्रैच uh, कर दिया जिससे कि ये पूरा फट चुका है सो so मुझे उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा ये हमारा फर्स्ट किटन था और उसके बाद मैं आपको उसका सेकेंड किटन बताती हूँ ये सेकेंड किटन है और मुझे काफ़ी लोगों ने सजेशन किया है कि इनका नाम सिम्बा रखें तो चलिए इनमें से एक का नाम तो हम सिम्बा रख लेंगे और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमें और भी अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कर रहे हैं जिससे कि हम इनका और प्यारे प्यारे से नाम रखें और आप एहलसा को देख पा रहे होंगे कि ये हमारी एल्सा हैं और वो हमारी जूरा बैठी हुई हैं दूर उनको मतलब ही नहीं है कि उनके किटन कि इनके किटन के साथ कोई कुछ भी कर ले उनको मतलब नहीं है लेकिन जो हमारी एल्सा है वो पूरी मम्मी बन चुकी हैं फिर से और वो अपने रोल में आ चुकी हैं वो ना तो किसी और किटन को पास में आन दे रही है ना किसी और कैट को आन दे रही है ना एलिफ को आन दे रही है और ये देखिए मैंने न्यू शीट निकाल ली है वाइट वाली जो कि ट्रेनिंग पैड भी होता है और मैंने इसको बिछा दिया क्योंकि मैंने सिंगल शीट ही बिछाई क्योंकि अब बहुत गर्मी पड़ रही है तो उनको मैं सिंगल शीट में ही रख रही हूँ उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारे किटन्स है जो कि मैं उठा के वापस उनको रख रही हूँ अंदर और एल्सा को आप देख पा रहे होंगे कितनी जल्द उनके पास आके बैठ गई है और ये देखिए उनको लिक करने लग गई है और उसके बाद हमारी जूरा भी आ गई थी अपने किटन्स के पास चलो कम से कम आई तो सही अपने हाल चाल पूछ रहे हैं अपने किटन्स के क्योंकि ये आती नहीं है और ये पूरे थ्री डेज़ के हो चुके हैं और ये आप देख पा रहे होंगे कि इनको अब मदर फीड करवाएँगी हमारी ज़ूरा और ये देखिए ज़ूरा तो मदर फीड करवा ही रही है बाकी हमारी ये जो नानी है मिस एल्सा वो अब बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं उनकी किटन्स की और देखिए मुझसे तो छुपा ही रही हैं और मुझे बिल्कुल भी टच भी नहीं करने देना चाहती वो जैसे कि आपको पता होगा कि एल्सा मुझसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है देखो मेरे को कितनी जल्दी अपने किटन्स को छुपा लिया ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि इन्हीं के किटन्स हो। और... अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि डे फोर का